लाइक इवेंटफुल डे है मार्केट के लिए अगर बात करें, उससे पहले मार्केट में एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला। समझने की कोशिश करते हैं मार्केट समरी में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या हो सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कल की। जितने भी मेजर इंडेक्स है, शुरुआत करें सेंसेक्स निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, सभी में आपको 1% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरह की कैंडल कल बनी थी, अगर आपको याद होगा कल के वीडियो में हमारी बात हुई थी, पिन बार या फिर हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बने हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, तो वही रैली यहाँ से सस्टेन होता है हमें आज के दिन देखने को मिली है। और उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने है कुछ इस तरह, सारे इंडेक्सेस आपको 1% से ऊपर। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें वो भी आप देख सकते हो, फुटसे की मार्केट, कैक की मार्केट, डेक्स की मार्केट या फिर एसजेक्स निफ्टी आपको 400-500 के आसपास देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें 525, इसको आप ध्यान में रखिए 525 ये लेवल हो सकता है कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो और भी दूर की रैली निकल के आएगी, लेकिन ये लेवल 525-527 मार्केट के लिए एक छोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला था आज के दिन आज के लिए 450, उसको ब्रेक करके करने के बाद मार्केट उसके ऊपर निकला है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बताता है। बाकी एडिया रेशियो कैसा था आज के दिन, कल से सुधरा हुआ था या फिर इस वीक के कई दिनों से 1000 से ऊपर अभी भी एडवांस में डिक्लाइन की बात करें उतना अच्छा अभी भी नहीं था। इंडेक्स तो बढ़ा है, क्या पोर्टफोलियो वैसा इंप्रूव हुआ है जिस तरह से गिरे थे ऐसा नहीं होगा, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बाकी अगर हम सेक्टर वाइज देखने की कोशिश करें, आईटी बास्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया जो कल के दिन नहीं दिखा रहे थे। बड़े ही लंबे दिनों से सबसे पहला जो करेक्शन आया था, शुरुआत हुई थी जिसकी आईटी से शुरू हुई थी, अभी रिजॉल्व होते हुए दिखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर था आज के दिन जो लाल निशान में बंद हुआ है, बाकी सभी आपको ग्रीन निशान में बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट में हल्की खरीदारी तो बनी हुई थी, बट ऐसे में कल का ही दो इवेंट है और इन इवेंट के बेसिस पे हल्की सी हो सकता है हमें ऊपर के लेवल से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में क्या होगा कैसे होगा। अदरवाइज मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का या फिर जो आपके पोर्टफोलियो में है, ध्यान से समझिए जो भी स्टॉक आपने रखे हैं वो कैसे चल रहे हैं आजकल, ऐसे चल रहे हैं एक दिन 1% ऊपर, अगले दिन 2% नीचे, फिर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ, तो ये करते करते मार्केट ने बड़े लंबे टाइम से या फिर पोर्टफोलियो ने वैसे रिटर्न दिए नहीं है। लगता है अब ऊपर आएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तब तक मार्केट में एक इवेंट और आ जाता है, तब तक जब तक लगता है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा आहिट इसको, तब तक एक थोड़ी सी अच्छी खबर आ जाती है और उसके बाद ये तो जिग-जैग मूव बना हुआ। ऐसे में ना ही मार्केट ने कोई रिटर्न दिए हैं वैसे खास और ना ही पोर्टफोलियो ने। हाँ ये ज़रूर हुआ कि जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, बढ़ता है तो बड़े ही धीरे से बढ़ रहा है, कुछ वैसा हुआ है, आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कौन रहे गेनर और लूजर आज के, तो आपके सामने कोल इंडिया, मारुति सुजुकी एंड उसके बाद अगर हम बात करें ये है गेनर आज के, इंडसन बैंक और बजाज ऑटो। ऑटो सेक्टर में एक हमने रिबाउंड हमको देखने को मिल रहा है, पिछले एक महीना तो लगभग हो चुका है, वहाँ से सभी ऑटो के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है और वहीं से दो गेनर भी हैं। लूजर की बात करें ONGC, सनफार्मा, SBI लाइफ और BBCL, ये हैं आज के टॉप लूजर आज के मार्केट के। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर 18.55 के आसपास है, थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है 5-5.5% के आसपास, अभी भी इसको कूल ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर बात करें कल के इवेंट के बाद देखते हैं क्या ये 5-8% बड़ा मिलता है या फिर कूल ऑफ। अदरवाइज जिस हिसाब से टेक्निकली है, टेक्निकली तो मार्केट यहां से थोड़ा स्ट्रांग वापस हो रहा है, लेकिन इवेंट है तो इवेंट के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। आईपीओ की बात करें, ऐसा को आईपीओ अभी है नहीं, तो जम करते हैं स्टॉक फॉर टुमारो सेक्शन के ऊपर। कल हमारी बात होती HUL के ऊपर, HUL में 0.5% का अपमूव आज के दिन भी रहा। उसके बाद अगर हम बात करें विप्रो जिस लेवल के आसपास है वहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हमें। साथ ही अगर हम बात करें IT सेक्टर में अच्छी तेज़ी थी, मिड कैप IT में तो और भी ज़्यादा अच्छी तेज़ी थी, लेकिन विप्रो में वैसी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, जो रिस्क रिवॉर्ड इशू है वो थोड़ा फेवरेबल नज़र आ रहा है, आप इसको फोकस पे रख सकते हो। 570 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो सस्टेन होगी 578 के आसपास तक, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि इसका गैप भी छोटा है, अदरवाइज 600 का हमें देखने को मिल सकता है। ये है इसके कुछ आने वाले कमिंग टारगेट्स, अदरवाइज इस लेवल के आसपास एटलीस्ट आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा कुछ भी एक्शन लेने से पहले। नाउ लेट्स फोकस ऑन FIs एंड DIs के एक्शन के ऊपर, अभी डेटा वैसे आया नहीं है तो हम फोकस करते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ये कैंडल्स हैं, आप ये देख सकते हैं वनडे का चार्ट लगा हुआ निफ्टी का और आज के जो कैंडल बने यहाँ पर हमें कुछ पिन बार से या फिर हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बने थे या फिर डोजी काइंड ऑफ जो बता रहे थे कि यहाँ पे बुल थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें ये रहा
ये है आज के कैंडल जो अपने इम्पोर्टेंट एक मूवी एवरेज के ऊपर तो समहाउ क्लोज हो ही चुके हैं और एक 450 जो था उसे भी ब्रेक कर चुके हैं 17450। अभी जो हमारे 525 का लेवल कल के लिए काम करेगा, अगर वापस से इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 525 तो आप कह सकते हो कि एक अच्छी क्लोजिंग है एंड हमें और भी अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल या फिर यहाँ से हमें वापस कल इवेंट के बाद सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से आज की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ से आपको एटलीस्ट ओपनिंग या फिर फर्स्ट हाफ तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। उसके बाद की कॉमेंट्री, उसके बाद की इवेंट एक्सपायरी किन लेवल पर होती है वो देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन आपको नजर रखने 525 छूटेगा तो 600 का लेवल भी बहुत जल्दी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद का मेजर हर्डल अभी नहीं दिखता है, एटलीस्ट रिसेंट जो ये रिसेंट का एक सेकेंड जो ये रिसेंट का है एटलीस्ट ये लेवल तो फिर आ ही सकता है। तो लेट्स सी हाउ मार्केट वर्क्स। अगर 15 मिनट में देखने की कोशिश करें तो आप यहां देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ गैप के साथ और उसका कुछ खास हुआ नहीं है, पूरा रेंज बाउंड रहा और उसका सेकंड हाफ में एक तेज़ी हमको हल्के से एक तरफा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी जो मार्केट को पुश करके लेके गई 17470 के आसपास। तो ये रहा निफ्टी का हाल। अगर इसको हम बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी अभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, टेस्ट करने आया था, सभी चीज़ों को टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया और उसके बाद वापस से इस कैंडल ने थोड़ा कन्फर्मेशन दिया और आज के दिन इसने दे दिया कन्फर्मेशन। तो ये देखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ा और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो यहाँ से हम आ गए 39100 के आसपास तक, 39100 इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वापस है 39500। ये दो लेवल हमको बुलिश वे में देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में कल शार्प हमें जैसे इस तरह से खुल रहा है और यहाँ से कुछ ऐसे देखने को ना मिला तो। अदरवाइज ठीक ठाक रहा, जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है तो हमें हो सकता है ये बहुत जल्दी लेवल देखने को मिल जाए। ये तो रही बात, तो कल का दिन रहेगा अहम हमारे लिए मार्केट के लिहाज से, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। सपोर्ट की बात करें, देखो जी ये जो हमें मूविंग एवरेजेस दिखाई पड़ रहे हैं या फिर जो रिसेंट के लोज हैं, निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की बात करें, बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, वहीं से मार्केट घूमा है और यही मार्केट के लिए काम करने चाहिए अगर फर्दर करेक्शन यहाँ से आता है। अदरवाइज चार्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज बुलिश में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो अपना व्यू बन रहा है कल के लिए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो पॉजिटिव रह सकता है, अगर कुछ होना होगा आफ्टर कॉमेंट्री या फिर सेकेंड हाफ में ही होगा, अदरवाइज यहाँ से देखते हैं किन लेवल के आसपास एक्सपायरी होती है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, बाकी 15 मिनट की अगर हम बात करें ये भी आप देख सकते हो ओपन हुए कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ जाके ये कंसोलिडेशन के साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया बुलिश वे में। तो ऐसे में आप समझ गए कि किन लेवल के आसपास मार्केट जाके रुका है, कल क्या हो सकता है। अगर नीचे आना होगा तो ये गैप भी फिल हो सकता है जो आज गैप क्रिएट हुआ, तो इस गैप के ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए और फिर वापस हम नीचे आ जाएंगे 38,000 के आसपास। तो ये 38,000 हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ, और ऊपर तो आप जानते हैं 39100 और 39500 ये दो लेवल आपके लिए ओपन रह सकते हैं कल के दिन। कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, शेयर की भी बात की, विप्रो के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, नज़र में रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।